अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पहले ए सब पार्ट, जो लोग ऑनलाइन है आप लोगों को यहां पे एक्स की वैल्यू ढूंढना है सच दैट ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। यहां पे उसने ये भी कुछ कहानी लिखी है, ये कहानी को अभी के लिए आप लोग टोटल तरीके से इग्नोर करोगे। तो अगर इग्नोर ही करना तो फिर लिखा क्यों है बेटा, अगर ये नहीं लिखूंगा ना तो इसके मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हो जाते हैं। तुम लोगों को ये चीजें 11th में सीखने मिलेगी अगर आप कोर मैथमेटिक्स लोगे तो, पर तब के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक जगह पर रखते हैं और जो कॉन्स्टेंट वॉन्स्टेंट जो अपने रहते हैं उसको एक जगह पर लाते हैं। मतलब क्या, क्या मैं यहाँ पे साइन 2x इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 कर सकता था, ये 2 को मैंने यहाँ भेज दिया। अब जैसे ही ये किया है मुझे बताओ कब साइन के लिए रूट 3 बाई 2 हो रही थी, तो 60 डिग्री पे हो रही थी। अब बेटा मैं साइन साइन को काटूंगा नहीं, ये से कटता नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन वगैरह, पर तुमको वो है नहीं इसलिए कुछ बोल नहीं रहा उसका मैं। तुम काटना मत, तुम डायरेक्ट लिख देना 2x इज इक्वल 60 इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, खत्म। जैसे ये क्वेश्चन किया है, अभी 8 बज रहे घड़ी में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ए से लेके एच तक जो जो जम रहे तुम अटेम्प्ट करो बिना डाउट पूछे, जो ऑफलाइन में वो भी कोई डाउट नहीं पूछेगा ना एक दूसरे बात करेगा। अगर आपके पूरे अटेम्प्ट हो चुके हैं शांति से बेटर हो गए आप लोग। पतली प्राची कहां उड़ गई, बच्चा लोग प्लीज शांत। आज जो ही नहीं लास्ट 4 मिनट गाइस, नॉट रियली, अरे बहुत सिंपल तरीका है जो इसका, रुक जा, आंसर तेरा सही होगा फाइनल आंसर पर तरीका सही नहीं है। Last 2 last 1 minute
चलो अब ओए, अब बेटा मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, टाइम पास मत करना प्लीज गाइस, प्लीज यार। देखो उसका बी वाला इजी था, बी वाला रुलाएगा नहीं आपको, वो हो गया cos 3x इज इक्वल टू 1 बाय 2, मतलब cos 3x इज इक्वल टू cos 60, 3x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू 20 हो गई है मेरी, कितना खत्म। ये वाला देखो अब सी वाला, रूट 3 tan 2x इज इक्वल टू 3 हो गया मेरा, tan 2x इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 3 हो गया। सर कब tan की वैल्यू 3 अपॉन रूट 3 होती थी? तो सर हमने कभी देखी ही नहीं ऐसी वैल्यू टेबल में, तो कोई बात नहीं, एक काम करो रैशनलाइज करके ढूंढ लो अभी। तो इसको ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, तो ये बन गया 3 रूट 3 अपॉन 3, ये कट गया, tan 2x की वैल्यू हो गई रूट 3। कब tan के लिए रूट 3 होती थी? तो 60 डिग्री पे, तो 2x की वैल्यू 60 हो गई है, तो x की वैल्यू मेरी 30 हो चुकी है, फेयर इनफ। एक बार के लिए जिन लोगों का सी नहीं आया था, मैं एक मिनट दे रहा हूँ फट से करो। क्या कैसे करेगा तू ये चीज? बेटा ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, ये ऐसे थोड़ी भेज सकते अपन ऐसा, पहले जो यहाँ पे से अपन ट्रांसपोजिशन करते प्लस माइनस को पहले ट्रांसपोज करते ना, ये मल्टीप्लाइड हुआ था, और ये यहाँ का तो भेज भी रहा है तो डिवाइड में जाता था, तो पहले माइनस से यहाँ पे जाकर प्लस 3 हुआ रहा था, समझा वो गलतियाँ तेरी। ओए शांत, मैं एक बार के लिए डी वाला बता रहा हूँ, तो आपको ई वाला भी जम जाएगा उससे। देखो ये cos स्क्वायर x की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। अब मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, मेरे को स्क्वायर्स नहीं चाहिए थे, मैं स्क्वायर रूट लिया, तो cos x की वैल्यू 1/4 का अंडर रूट हो जाएगा 1/2। cos x की वैल्यू हो जाएगी cos 60, तो x की वैल्यू हो गई 30 डिग्री खत्म, 60 डिग्री सॉरी। एग्जैक्टली वैसे ई वाला ट्राई करो, फिर वो एफ जी एच, जी तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट एफ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताऊंगा मैं उसे, पहले आप लोग ये करो प्लीज। बच्चा ये जो 2 था मेरा, मैंने यहां भेजा ना उसको, कौन सा बेटा ये रूट 60 कैसे कर दिया तूने उसको बेटा? डी वाला देख मैंने कैसे किया है, वो 2 यहाँ पे गया cos square x equals to 1/4, फिर उसके बाद में स्क्वायर रूट निकला तो cos x equals to 1/2 हुआ। ई भी तेरी गलत है, तेरे यहाँ तक ए, नहीं तेरा ई सही है, जो नीचे ये ई सही है तेरा, डी गलत है तेरा। गाइस हो गया है सी एंड डी तक के आपका, आना शांत मुझे बताऊंगा ना मैं, डी तक के हो गया है, डी डी क्या 2 cos square x equal to 1/2 था बेटा, cos स्क्वायर x को a स्क्वायर बोल रहा हूँ मान ले, तो 2 a स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो a इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट लिया मैं तो 1/2 हो गया, यानी cos x की वैल्यू 1/2 हो गई है, कब होती है 60 डिग्री पर होती है। अब गाइस ओए e वाला भी वैसा ही है एग्जैक्टली ऊपर जैसा,
पहले 3 tan square x = 1 हुआ, tan square x इक्वल टू 1/3 हुआ, तो tan x की वैल्यू 1/√3 हो चुकी है, स्क्वायर रूट लिया है मैंने। अब कब tan की वैल्यू 1/√3 होती थी, तो 30 डिग्रीज पर होती थी, तो x की वैल्यू 30 डिग्रीज हो चुकी है मेरी, समझा है? अन्य हो जाएगा तो बोलना बेटा, नहीं ई वाला भी, वो भी हो गया। एनीवन जो अभी सॉल्व कर रहा है टिल ई, लल्ला ये बाहर फेंक क्या, जो लोग ऑनलाइन आई एम होपिंग आप लोग ध्यान दे रहे हो, ना होगा अब नहीं हो जाए, हो गया हाँ। अब बेटा ये वाला देखो f वाला, तुमको सबसे पहले ही बताया था मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक जगह चाहिए, वो राशि का मोबाइल पास करता मेरे को, स्विच ऑफ करवा के मंगवाना, और तुमको मैंने पहले ही क्या बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे को चाहिए, स्विच ऑफ किया हुआ है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक जगह चाहिए और कॉन्स्टेंट एक जगह चाहिए। तुमको एक चीज याद है क्या, tan x को मैं sin x by cos x लिख रहा था या उल्टा, sin x by cos x = tan x, ये ठीक है, याद है फुट के। वैसे ही तुम लोग ना cot x भी याद कर लो, cos x by sin x, तो sin by cos is tan, cos by sin is cot। अब देखो मान लो मैंने sin को इधर भेज दिया, तो √3 cos x / sin x, मतलब √3 cot x हो जाएगा। कब cot की वाली √3 हुई थी, 30 डिग्रीज हुई थी, देखो तुम लोग, तो cot 30 cot x, तो मेरे 30 की वैल्यू x के बराबर हो चुकी है। कुछ बच्चे बोले कि नहीं नहीं सर मैं cos को इधर √3 को इधर भेज देता हूँ, चलो ठीक है, तो तुम्हारा बन जाएगा sin x / cos x = 1/√3, तो √3 नहीं बचेगा, 1/√3 बचेगा, sin by cos हो जाएगा tan, कब tan की वैल्यू 1/√3 हुई थी 30 डिग्रीज पे, तो x की वैल्यू फिर से 30 डिग्रीज हो गई मेरी, स्वाहा, समझा क्या हुआ है गाइस, इधर वे इज फाइन, ये फट से करो आप लोग f वाला। हाँ अच्छा वैसा मत करो, नहीं वैसा मत करो, थैंक यू बेटा, हेल्पफुल था बहुत। हाँ बच्चा हाँ ओए शांत, चलो अब गाइस आप अपन लोग जी वाला देख रहे हैं, बेटा ये देखो ये टैन कुछ तो भी हो छोड़ो = 1 है, कब टैन के लिए 1 हो रही थी, तो साइन 3x + 30 = tan 3x + 30 = tan 45, तो 3x + 30 = 45, 3x = 15, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगा मेरा। एक ना हो जाओ अभी एच वाला भी देख लो, वो भी सिंपल है सर, आपने क्या होता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक जगह पे, कॉन्स्टेंट एक जगह पे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है ही नहीं, अरे साइन 30 की वैल्यू तुमको पता है ना कितनी होती है, कितनी हो जाती है बेटा, वो 1/2 हो जाती है, खत्म। अब 1/2 को कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, कॉस कॉस कट जाए, काटते नहीं हो पर कट जाए, तो वो क्या हो जाएगा cos 40 plus x is cos 60, तो 40 plus x = 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री, खत्म।
करो फट से, फिर एक चीज बताता हूँ इसके बारे में मैं। सॉरी जी में तो वन की जगह सिर्फ 1045 लिख, फिर ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू वाला ब्रैकेट। टैन थ्री एक्स वाले में नहीं, वो कैसा नहीं खुलता है। टैन ऑफ ए प्लस बी इज नॉट टैन ए प्लस टैन बी, बताता हूँ एक्सन हो जाओ अभी चीज। टैन में हाँ बच्चा वो 3x एक्स प्लस 30 को 45 था, 3x को 45 माइनस 30 हो गया। हाँ मेरे भाई सुहानी गुड मॉर्निंग, अच्छी बात है, बट सो मत बेटा, फिर देखो वापस से उठने में मेहनत लगेगी बहुत। मैं वही बता था नहीं अभी गाइस, एक जो आरजब ने भी पूछ चुका है, लल्ला ने भी वो गलती कर चुका है, मैं बताना समा भूल गया ये चीज। गाइस प्लीज ये चीज समझो आप लोग, साइन ऑफ ए प्लस बी, बेटा यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है कि साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा। ये साइन ए प्लस बी की वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये एक आइडेंटिटी है। टैन ए प्लस बी की वैल्यू आई थिंक टैन ए प्लस टैन बी अपन वन माइनस टैन ए टैन बी कुछ होती है ऐसा, वो कई सारी आइडेंटिटीज है 11th स्टैंडर्ड में, आई थिंक कुछ 18 22 25 30 कुछ होगी, वो हो जाती है बहुत इजीली यार, कोई ऐसा स्ट्रेसफुल नहीं रहता है वो, तो अभी उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो। बस ये चीज ध्यान रखो साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ए प्लस साइन बी नहीं होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जैक्टली यही चीज आपको ट्रू एंड फॉल्स में भी दी गई है आपके बुक में। यस राशि, तो देखो ओए जिन पापियों ने जी वाले में टैन थ्री एक्स प्लस टैन थर्टी कर दिया है वो गलत कर रहे हैं, तो वही गलत हो रहा है बेटा। पहले टैन थ्री एक्स प्लस थर्टी थी को टैन 45, फिर टैन टैन जब हट गया तो 3x प्लस 30 को जो 45 हो चुका है, अब तो ये सिंपल एक्सप्रेशन बन चुका है। तुम नहीं वो गलती से आया है कुछ तो भी, तूने क्या किया मेरे को डिक्टेट कर, ओए चुप। हाँ तो भी तो tan 45, अच्छा वो गलती से आ गया है, ओए tan a माइनस tan b का मतलब tan a माइनस b नहीं होता है ना, ऐसा नहीं लगता है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चल रहा है इसमें, ऐसा नहीं रहेगा, तो गलती से आया सही आंसर हो। मैं वही बोल रहा हूँ गलती से आ रहा है, हमेशा नहीं आएगा वो। हाँ माँ गाइस याद रखे ठीक है, हाँ इससे ज्यादा नहीं होता है। अब गाइस ओए ओए अब देखो हम आगे के इसमें जा रहे हैं, करा तो दिया बच्चा मैंने। नाउ गाइस प्लीज देखिए क्वेश्चन नंबर 11th, देखो इसके अलावा थोड़े से एक दो फुटकन फाटकन प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन नंबर 11th तुमको रेक्टेंगल दिया एबीसीडी, हाँ बेटा ए बी की लेंथ 20 डिग्री दी गई है, तुमको बोला गया है कि एंगल बी ए सी की वैल्यू 60 डिग्रीज है, ये अपने आप 90 हो जाएगा, आपसे उसने बी सी की वैल्यू मांगा है, इसको अभी के लिए एक्स बोल रहा हूं मैं। अब देखो अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी पे ही देखूं तो मेरा ये अपोजिट हो रहा है ये एडजेसेंट हो रहा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट आ रहा था, या तो टैन या तो कॉट। तो देखो मैंने पहले टैन लगा लिया, मान लो मैंने बोला सर टैन 60, ओह मतलब हो जाएगा एक्स बाय 20, टैन 60 मतलब रूट 3 था तो एक्स बाय 20 उधर गया तो 20 रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। कुछ बच्चे बोले नहीं सर हमको तो कॉट लगाना है, अपोजिट और एडजेसेंट में रिलेशन को कॉट से भी मिलता था ना, तो सर हम कॉट लगा लेंगे, चलो ठीक है लगाओ। तो कॉट 60 इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का उल्टा है ना, ए अपॉन ओ, ये हो जाएगा 1/√3, तो x वापस है 20√3 तो आ रहा है। तुमको जो अच्छा लगता है तुम उससे लगा सकते हो,
यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी पड़ी रेक्टेंगल की, सिवाय इस चीज के कि एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है। फेयर इनफ। बाहर से ना एक चेयर ला कर दे बैठने के लिए, वो ब्लैक वाली को चक्कर लग रहा है। गाइस फटते कीजिएगा प्लीज। बेटा तेरा उससे अगर निकालेगा तेरा एसी आएगा, फिर तू पाइथागोरस लगाएगा। बेटा जिनका 11th हो गया है ना, वो लोग 12th पढ़ के ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी सबके सब पता है तो, कि डायगोनल्स बाइसेक्टर है 90 डिग्री वगैरह, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। हाँ अच्छा, तो रात को सोया करो इसके लिए, कोई बात नहीं। अभी आंखों में पानी मारो और बैठो, थोड़ा जम के मारना आंखों में पानी, इसको भी चोट लगे थोड़ी सी। सॉरी टैन का फिर टैन इसलिए लिया कि जो मेरे को एंगल पता था उसके रिस्पेक्ट में मुझे एक एडजेसेंट पता है, और मुझे पूछा अपोजिट है, अपोजिट और एडजेसेंट कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ रहा था, तो टैन या कॉट में आ रहा था। तो तू या तो टैन ले ले या कॉट ले, तेरा आंसर आना शुरू हो जाएगा। तू यही चीज ना बेटा, हाँ कैसे नाम बिदा गया, यही चीज तू और बहुत ज्यादा सीखने वाले एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में कल, शायद से आज भी शुरू हो जाए, वो कोई ये नहीं है। कोई सर बोला था चलो आप बढ़े आगे, बोल भाई। हाओ नहीं ओआ ओ आ ओआ अब गाइस क्वेश्चन नंबर 12 देखो प्लीज। रोम्बस है उसका तुमको कितना दिया गया साइड 20। सब 20 20 20 20 हो जाएगा। डायगोनल्स बोला है, अच्छा डायगोनल्स बोला नहीं है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स बोला उसने। एक चीज याद दिला दू, इसे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और वो ही मस्त 90 डिग्री पे करते हैं। इसने बोला है कि एक एंगल है, टू एंगल 60 है इसके, ठीक है ना। तो अगर ये पूरा का पूरा एंगल अगर 60 डिग्री हो रहा है, गाय शांत ना भाई प्लीज शांत ना, तो देखो अभी ओए गाय शांत, ये अगर 60 हो रहा है तो एंगल बाइसेक्ट होके 30 डिग्री हो जाएगा मेरा। समझ मारी गई चीज आप लोगों को, डायगोनल बाइसेक्ट भी करता था और कहते उसके एंगल को। अब मैं अभी के ट्रायंगल को नाम दे रहा हूँ, ये इसको नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी और ये ओ। अब मैंने से छोटा सा ट्रायंगल देखा ए बी ओ, उसमें ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्रीज है, ये 20 है। मुझे ए ओ की वैल्यू भी चाहिए, मुझे बी ओ की वैल्यू भी चाहिए। पहले ए ओ का टारगेट रख रहा हूँ वेदाग्य में बेटा। देख 30 के रिस्पेक्ट में ये तो एडजेसेंट हो चुका है और ये हाइपोटेनियस था तेरा। एडजेसेंट हाइपोटेनियस तेरा कहाँ पे आता था, सही बोल रहा है बोल, कॉस में आता था सर। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया कॉस 30, ओहो आहा, मतलब ए अप ए ओ अपॉन ए बी। कॉस 30 की वैल्यू थी √3/2 एस, एक सेकंड, ए ओ अपॉन 20 उधर क्या 20√3/2 मतलब 10√3 इज इक्वल टू ए ओ आ चुका है। यहां तक ठीक है, बट मेरे को ए ओ की जरूरत थी या ए सी की जरूरत थी, ए सी की
विच इंप्लाइज ए सी जो कि 2 इंटू ए ओ यानी डबल रहेगा तो 20 रूट 3 हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब देखो सेम वे में मैं ना बी ओ भी निकालूंगा, तो अब देखो विदाग्य ये है ना अपोजिट हो रहा है, ये तो एडजेसेंट है ही बेटा, मेरा अपोजिट और एडजेसेंट कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल है, रेशो है ना, कायम आता है हाँ कॉट में ओ आ का ओ आता है ए अपन ओ आता है, मैं साइन में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा साइन 30 इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 1/2 इज बी ओ अपॉन 20, तो बेटा बी ओ की वैल्यू 10 आ रही है मेरी, मुझे बी ओ की जरूरत नहीं थी, मुझे बी डी की जरूरत थी, वो 2 टाइम्स बी ओ के बराबर है, तो बेटा बी डी की वैल्यू मेरी 20 सेंटीमीटर हो चुकी है, समझाए हो क्या हुआ है। देखो एक और बार मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज किया मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, पहले जब बता रहा हूँ मैं इसमें एक ऑल साइड जर इक्वल होता है ये मैंने यूज किया नहीं है। दूसरा डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तीसरा चीज बेटा डायगनल बाइसेक्ट द एंगल ऑल्सो, यानी ये जो पूरा एंगल है उसको बाइसेक्ट भी करता है। तो देखो उसने याद है तुमको दो एंगल 60 डिग्री है, तो बेसिकली ये पूरा का 60 डिग्री था और ये पूरा का 60 डिग्री था उसमें, ठीक है यहाँ तक का। अब देखो मैं ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो लगा पा रहा हूँ वो तभी लगा पा रहा हूँ जब मेरा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हुआ है, इसीलिए 90 डिग्री बताना मुझे जरूरी था, वरना नहीं कर पाता था मैं, ठीक है। ये सार जब हाँ अगर एंगल जीरो होता तो देखो जीरो एंगल वाले है ही नहीं क्वेश्चन, जीरो 90 वाले, समझाए गाइस ये क्या हो रहा है। गाइस फट से ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा, ये एग्जाम्पलर में है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डायरेक्ट नहीं है आया तो अच्छे वेटेज के इसमें का आएगा वो क्वेश्चन, नॉट रियली बट कर दोगे बेटर रहेगा बेटा। रियान लिख रहा है वैसे 090 का डेरिवेशन काम का है भी नहीं, 30 45 60 का है अपन बाद में देखेंगे, बट इसका है भी नहीं। जिनका 12th हो गया है ना वो लोग 13th के बारे में सोचेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलो सर, एंगल बीएसी 30 कैसे आया बेटा? बी ए डी तेरा 60 डिग्री था तो ए सी वो एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा इसलिए 30 हो गया बेटा। क्या करके 13th क्वेश्चन है? नहीं चलो आप ओए हो गया ये
चार यू भाई लोग बातें नहीं ना प्लीज। अब देखो बेटा 13th क्वेश्चन ना वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग पूछा जाता है, कईयों बार इस पैटर्न का क्वेश्चन देखे हुए वर्कशीट में, बोर्ड्स के इस पे मैंने मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर अगर वर्कशीट में इतना डाला गया मतलब कभी ना कभी बोर्ड में पूछा गया है। वो बड़ा सिंपल सा है, अगर तुम एक चीज समझो तो मैं जस्ट अपनी मस्ती पूरी करने के लिए कॉट थीटा को अभी के लिए एक्स लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं? एक्स। तो ये क्या बन गया मेरा? रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तुमको स्प्लिटिंग लगाना है तुम स्प्लिटिंग लगाओ, तुमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, एक्स निकालो। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई, वो इरेशनल नंबर देख के वैसे ही टेंशन बढ़ जाता है। देखो मेरा ए बी सी डी, डी की वैल्यू जाएगी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब 16 माइनस 12 4 आ गया है। तो मेरा x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, या फिर माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। यहाँ तक है ठीक है? तो ये बन गया है 4 प्लस 2 अपॉन 2 रूट 3, या फिर 4 माइनस 2 अपॉन 2 रूट 3, जिसका आंसर 6 अपॉन 2 रूट 3 मतलब 3 बाय रूट 3 आ रहा है, या फिर 1 बाय रूट 3 आ रहा है। क्या 3 बाय रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ रूट 3 या 1 बाय रूट 3 हो चुका है? अब देखो बेटा माइनस और माइनस हो जाएगा, माइनस भी है ना। अब देखो ओए मेरा, इफ x इज रूट 3 मतलब कॉट थीटा की वैल्यू रूट थ्री हो चुकी है मेरी, तो मेरे टैन थीटा के लिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय रूट थ्री। तो मेरा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट थ्री का स्क्वायर, मतलब 3 प्लस 1 बाय थ्री मतलब 9 प्लस 1 बाय 10 बाय 3। सेम वे में इफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय रूट थ्री, तो बेटा मेरा कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगा 1 बाय रूट थ्री, टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगा रूट थ्री, फिर वही कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये भी 10 बाय 3 जा रहा है। लकीली दोनों से आंसर 10 बाय 3 आ रहा है, आंसर खत्म। समझा ये चीज बेटा? ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। देख तूने कॉट थीटा को एक्स मान लिया, देखो हाँ तो वही तो बता रहा हूँ मैं तेरे को, कॉट थीटा की जगह पे तो एक्स लिख रहा है जो क्वेश्चन में दिया है, तो हर कॉट थीटा की जगह एक्स लिखेगा, तो रूट थ्री इंटू कॉट स्क्वायर थीटा था यानी तो एक्स स्क्वायर हो गया, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर कॉट थीटा था तो उसको माइनस फोर एक्स लिख दिया, फिर प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो हो गया मेरे लिए, मुझे दिया हुआ था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, भले देखो अभी एग्जाम में है नहीं बट तो सीखा है वाला, तूने कर लिया उसे सॉल्व, तेरे एक्स की दो वैल्यूज आ गई, दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर करके तूने कॉट की वैल्यू निकाला, उसे टैन की निकाला, फिर जो मांगा था वो निकाला। उससे क्या फायदा हुआ? हाँ वो ही है ना, देख तेरा करना वो वाला जो था वो जो अपने आज का पहला क्वेश्चन किए उसके हिसाब से कर रहा तू, यू थॉट कि मेरा कॉट यहाँ का कॉट वहां कट जाएगा, अनफॉर्चुनेटली कट नहीं पा रहा था इसलिए मेरे को फायदा नहीं हुआ, ये मेरा क्वाड्रेटिक जैसा था तो मैंने कॉट की इंडिविजुअली वैल्यू निकाल दिया। वो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करेगा, फिर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ज्यादा इशू वाला है इसके अंदर। हाँ बेटा बोलो। सर कोई और वे है सॉल्व करने का? नॉट रियली दैट आई नो बेटा, हाँ बेटा एक है 9:30 का क्लास है अंशिका।
क्या बेटा? गाइस सुनो, यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल्स आ गया, कॉट थीटा के जो रूट थ्री है 1/√3, अगर रूट थ्री 30, 1/√3 60, उसके आगे वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ाओ आगे, और 2 मिनट दे रहा हूं 37 तक का टाइम। बेटा और जन्माष्टमी के दिन भी अपनी मॉर्निंग में क्लास रहेगी, अच्छी लंबी वाली रहेगी, ज्यादा सुबह से चले मत जाना, मटकी फोड़ने और सर फोड़वाने अपना। मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग रहेगी, 7 से 11 तक के कम से कम। हाँ आना पड़ेगा, नहीं है बेटा गलती से भी जन्माष्टमी के दिन स्कूल है तो चले मत जाना बेटा, तुम्हारे को घर बनवाएंगे वो गोपाल, क्या बनाते हैं, गोविंदा, तेरे को नहीं बनाएंगे तो गोविंदी बनाएंगे तेरे को। हाँ बेटा ये फालतू बने मत करना, और बेटा मंडे को है नेक्स्ट वाले, और घर पे कितनी पूजा वूजा हो यहाँ से ऑनलाइन कर लेना पूजा अटेंड। वैसे भी कौन सा भगवान के साथ बैठ कर तुम पूजा करते, भगवान का तो ऑनलाइन ही चलता तुम्हारी पूजा वगैरह। गाइस ये होने के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 होने के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 अभी नहीं, आइडेंटिटी के बाद होगा वो। अरे संस्कार, नहीं पता मेरे को, हाँ पर वैसा करता नहीं मैंने कभी यूज, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है मेरा था। फिफ्टींथ क्वेश्चन, एनीवन विद एनी आइडिया फॉर इट? हाँ बच्चा बोल, 13 क्वेश्चन में तूने पहली बात कॉट 0 इज नॉट 0, कॉट 90 इज 0। दूसरी बात अगर तू कॉट 90 लिखती थी उसको, सुन अगर लिखती भी थी उसके आगे क्या हो रहा है फायदा, नहीं तो वैसा नहीं होगा, मैं वही बता रहा हूँ। अभी देखो ओए ये बच्चों की बातों से ना, 13 क्वेश्चन का एक और सोल्यूशन नहीं बोल रहा, गलत सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं, वो दिमाग में आ रहा है कि बच्चे लोग ये चीज भी कर सकते हैं यहाँ पे, बोले सर सब कुछ कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब चलो ठीक है, √3 cot² θ - 4 cot θ, सर √3 को cot 30 लिख दिया मैंने, ये कॉट 90, तब पूरा में से कॉट कॉमन निकले काट दूं क्या? अब ऐसा नहीं करता यार, ऐसा नहीं करता वो, थोड़ी इज्जत रखो। हाँ माँ आई सपोज स्कूल की छुट्टी नहीं मिलती तुमको जन्माष्टमी की, कोई नहीं चलो संडे को ले लेंगे लंबी क्लास। अरे मेरे को चलता है नहीं लेना लंबी क्लास, मेरे को चलता है आधी आधी घंटे की रोज क्लास लेना, मैं भी खुश तुम भी खुश, फीस आने भी वाली है, माँ खुश मैं तो फिर। चलो अब ओए क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दो संस्कार, देखो ये वाला क्वेश्चन ना आप लोगों को
मैं दो तरीकों से करके सिखाऊंगा। पहले इसको नो ट्रिक मेथड, बिल्कुल देसी गवार पना वाला मेथड से मैं करके दिखा रहा हूं, और वो 90% बच्चों के लिए बेटर रहेगा, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूं। पर ध्यान दो, पहले यहां पे पेन नीचे रख के सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर भेजा, ये इधर भेजा मैंने, यहां तक है ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहा हूं मैं, तो पहले कॉस को 1 और फिर रूट 3 दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो ये कॉस थीटा प्लस रूट 3 कॉस थीटा, जो क्या माइनस साइन थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा, यहां पे भी वही किया, कॉस थीटा माइनस रूट 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा। अब देखो ये कॉस थीटा कट गया, माइनस रूट 3 साइन थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा कट गया, ये माइनस रूट 3 कॉस थीटा को लेफ्ट साइड में लाया, ये माइनस साइन थीटा को राइट साइड में लेके गया, ये रूट 3 कॉस थीटा प्लस रूट 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो क्या 2 रूट 3 कॉस थीटा इज 2 साइन थीटा, 2 और 2 कट गया, इधर उधर किया तो रूट 3 इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो रूट 3 इक्वल्स टू टैन थीटा, ये हो जाएगा टैन 60 इज टैन थीटा, तो इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। एक बारी के लिए तुम पहले ये पूरा इस तरीके से सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी कई बार पूछा गया है, फिर मैं तुमको एमसीक्यू वाला ट्रिक दिखाऊंगा। बेटा सेम थिंग वहां पे भी इक्वल टू सेम थिंग, एक साइन 30 माइनस साइन 30 सेम थिंग माइनस सेम थिंग जीरो होता है ना, मैं साइन 30 इक्वल टू साइन, अरे साइन 30 प्लस साइन 60 इक्वल साइन 90 करके साइन 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 थोड़ी काट रहा हूं, ऐसा कुछ वही वाली वर्कशीट चल रही है 41। बिना बातें करे ये करेंगे प्लीज। सर किसी ने ऑनलाइन में कुछ बोला क्या? हाँ बोलो बेटा। सर अगर मैं RHS को पूरा tan के इसमें कन्वर्ट करके उसको फिर वापस sin और cos में करके सब, तू RHS को अगर tan में कन्वर्ट जो करना चाहता है जो तू बोल रहा है tan 45 minus tan 60 upon tan 45 plus tan 60 उसके आगे क्या? फिर उसको फिर sin में कन्वर्ट करके काट सकते हैं क्या? मैं तेरे को उसके आसपास की ट्रिक बताने वाला हूँ, 2 मिनट दे बेटा मैं बोलूँ। मैं तुम्हारे को बिल्कुल एक मस्त ट्रिक बताऊंगा जिससे फिर तुम्हारा आंसर 2 स्टेप में आ जाएगा एमसीक्यू के लिए। जो पूरब ने बोला उसके आसपास का ही है बट वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है। एप्लीकेशंस में नहीं ऐसे, ये जो ये कर रहा है अभी नहीं ऐसा, एक भी कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा वो थीटा के लिए वैसे दी रहती है तेरे को,
बहुत सिंपल है वो चैप्टर, वो चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। डीवीएम का टाइम टेबल आया क्या? डीपीएस जैन तेरा पोर्शन में कौन से कौन से चैप्टर बच रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तेरा एक बचने वाला है, तो करने कब आएगी? हाँ वो ठीक है, तुम्हारा उससे पहले तो आराम से हो जाएगा। मेरे को वो देखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराऊँ कि नहीं कराऊँ, मोस्टली मैं करवाऊँगा तुमको भी। भक्त जा वो डिफिकल्ट है। हाँ बेटा बोलो। सर पिछला जो क्वेश्चन था जिसमें टैन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही थी जो पहले किए थे, फिर इसमें कैसे लग रही है? बेटा देख वो था टैन ऑफ ए प्लस बी, उसको अपन टैन ए प्लस टैन बी नहीं लिख रहे थे। ये तेरे को ऐसा दिया है टैन ए प्लस टैन बी मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स प्लस थ्री वाई, तो ये मल्टीप्लाइड बाई ए, ये मल्टीप्लाइड बाई ए, ये मल्टीप्लाइड बाई ए, ये मल्टीप्लाइड बाई ए लगाया मैंने बेटा, समझा गया बेटा? हाँ हाँ एनीवन स्टिल सॉल्विंग? नो नेहर का कर ले बेटा। तू बोलती क्यों नहीं है? हाँ बेटा सवा दस को लग लुका गया नाटक गलती से। ट्रिक बेटा मैं फुड़के और इसलिए रुका हुआ शांति। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन का ना मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूं, जस्ट ओए 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 याद ध्यान दो। अगर मान लो ये जो आरएचएस था इसको मैंने न्यूमरेटर में भी टू से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी टू से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 1/2 माइनस रूट थ्री बाई टू द होल अपॉन 1/2 प्लस रूट थ्री बाई टू हो जाएगा। समझ मारी गई चीज? अब मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं, देख रहा हूं क्या ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर कर पा रहा हूं क्या? क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू है जहां पर ये सब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल हुए जा रही है, 60 डिग्री पे हो रही है, खत्म 60। ये तुम्हारे को 2 मार्क के क्वेश्चन में भी अलाउड नहीं रहेगा करना, ये एमसीक्यू के लिए तुमको जस्ट बता दिया है। ये बेटा कईयों बार एमसीक्यू में पूछा गया है और क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट तुमको ये बता रहा हूं पूछा गया है, तो ये ऐसे करोगे चल जाएगा। नहीं सर हमको नहीं समझ में आ रहा, हम पिछले तरीके से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये देख मैंने ना सिर्फ जो आरएचएस था बेटा
उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 2 से डिवाइड किया, तो 1 माइनस रूट 3 द होल बाय 2 की जगह पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ उसको, 1 प्लस रूट 3 द होल बाय 2 को ऐसा लिख रहा हूँ मैं। अब मैंने सिर्फ करस्पॉन्डिंग टर्म्स को एक दूसरे साथ इक्वेट कर दिया, ये पहले को इससे, ये इसको इससे, ये इसको इससे और ये इसको इससे। तो देखो थीटा के लिए 60 पे ही हो रहा है ये चीज इक्वल। नॉट द बेस्ट ऑफ द मेथड ऑब्वियसली, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब गाइस पिछली वाली एक्सरसाइज पे आ जाओ, वर्कशीट पे आई मीन। ओए गाइस शान, हाँ बेटा, हाँ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी यस, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता है ना बेटा। गाइस प्लीज शांत, तो सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भी करे तो भी चल जाता है। अब ओए ओए गाइस, पहले आप लोग अब क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करोगे ये वाला, वर्कशीट नंबर 1 है बेटा। बेटा बातें मत करो प्लीज, टैन थीटा वाला साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, यहां का साइन थीटा कहां गया जरा। हां नाफड़े बोलो बेटा। सर कौन सी वर्कशीट है ये? वर्कशीट नंबर 1 है बेटा, बातें मत करो ना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15 था, आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। उड़ के टैन स्क्वायर थीटा होता है, कट जाए। वेट थोड़ा थोड़ा आगे करना शुरू करो चेयर को। अभी गाइस ये देखो, एक क्वेश्चन ना डिफिकल्ट नहीं है कविश बेटा। मैं टैन थीटा को लिख रहा हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो ये रूट 3 इक्वल्स टू साइन थीटा, ये ऊपर का साइन थीटा नीचे आ जाएगा, कट गया। रूट 3 इज इक्वल्स टू, अरे यार रुको 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 रुको, तुम लोग रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 अभी नहीं होगा, तुमको आइडेंटिटीज कराने के बाद होगा, रुक जाओ। गाइस क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 करो प्लीज। शान ये लास्ट टाइम क्या बोलते हैं, बीवीएम के पेपर में आया था, अच्छा सिंपल क्वेश्चन है अगर तुमको समझ में आता है तो, वरना अटकोगे। क्या माना अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल है? आमने सामने ले रेसिप्रोकल, वैसे अपन आईएनटीटी समय देखेंगे सब चीज आपस से। क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है, ए बैठ रे चल बैठ। हाँ
मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ सही है, गाइस शांति। अब देखो ओए गाइस, तुम लोगों को वैसे ना एक ब्रह्मास्त्र करके एक चीज बोलता हूं मैं, जिस चीज को अपन आइडेंटिटी से हमें सीखेंगे, बट जब ऐसी बता रहा हूं मैं अभी के लिए, तुम लोगों को जब क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया ना, हर चीज को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया करो। मुझे गिवन क्या है, साइन ए की वैल्यू एक्स है, सेक ए का मतलब क्या हो जाएगा, देखो अब साइन कॉस टैन, कॉट सेक कोसेक, हर चीज साइन या कॉस में कन्वर्ट करना, मतलब साइन तो साइन है कोई इशू नहीं, कॉस तो कॉस है कोई इशू नहीं, टैन को मैं साइन बाय कॉस लिख पाता हूं मैं, कॉट को कॉस बाय साइन, सेक हो जाएगा वन बाय कॉस, कोसेक हो जाएगा वन बाय साइन। देखेंगे अपन आइडेंटिटी से हमें वापस अच्छे से, पर एक बार समझो, अब sec a की वैल्यू मेरी कितनी दी गई है, y, मतलब ये 1 by cos a की वैल्यू y दी गई है मुझे, तो मैं चाहूँ तो cos a की वैल्यू 1 by y बोल सकता हूँ मैं, मुझसे आप मांग क्या रहे हो, tan a, मतलब आप मुझे sin a upon cos a मांग रहे हो, sin a की वैल्यू x थी, cos a की वैल्यू 1 by y थी, x divided by 1 by y is x into y, खत्म। समझा ये चीजें क्या हुई है, करिए फट से सर वापस समझा दो ना। यस ये देख बेटा, पहले ना तेरे को ये वैसे ज्यादा मैच्योरिटी आइडेंटिटी से बाद में आएगी, पर तेरे को अभी बता रहा हूं मैं, हर चीज को साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, साइन तो साइन है, कॉस तो कॉस है, टैन को अपन साइन बाय कॉस लिख रहे थे, कॉट को अपन कॉस बाय साइन लिख रहे थे, ठीक है, सेक मेरा 1 बाय कॉस होगा कि आमने सामने वाले रेसिप्रोकल, कोसेक मेरा 1 बाय साइन हो जाएगा, तो मैंने साइन ए की वैल्यू एक्स, बढ़िया है, सेक ए की वैल्यू वाई है, तो सेक ए की जगह पे मैंने उसे 1 बाय कॉस ए लिखा, ठीक है नड्डा, तो मेरे कॉस ए की वैल्यू 1 बाय वाई हो गई थी। अब मेरे को साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू पता है, तो मुझसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तू मांगेगी मैं बता पाऊंगा, तूने मुझसे मांगी थी किसकी वैल्यू, टैन ए की, तो टैन ए मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए की जगह पे एक्स लिखा, कॉस ए की जगह पे 1 बाय वाई लिखा, तो एक्स डिवाइड बाय 1 बाय वाई इज एक्स इनटू वाई। बहुत दूर है तू, मैं चार बार मर जाऊंगा वहां पे पहुंचते पहुंचते, और आते आते तो मैं बचूंगा ही नहीं, नहीं नहीं बोलना आपड़े। सर मेरा दूसरी मेथड से आया सर। बापरे बापरे मिस्ट्री मेथड ही होता है। नहीं दूसरी दूसरी सर। दूसरी हाँ, क्या किया दूसरी मेथड है ने? सर साइन को मैंने 2x अपॉन x लिख दिया, ठीक है, फिर और फिर sec a को 2y upon y लिख दिया, तो sin को 2x upon x लिख दिया, कैसे लिख सकता है तू, तो sin के तो 2 बन गई, फिर 2x upon 2 लिख ले भले तू, समझा गया, देखो नाफड़े। हाँ वही सर, 2x upon 2 किया सर, तो xy आ गया सर, वो डिवाइड करने, तो नहीं तेरा बोलना है तूने sin a को 2x upon 2 लिख दिया आगे, और फिर sec a को 2y upon 2 लिख दिया, आगे दोनों को डिवाइड कर दिया, 2y upon 2 रहेगा वैसे वो, हाँ वही सर वही, अबे तो वो तो तू यहीं पे भी डिवाइड कर देता तो भी चल जाता था, मोबाइल ले बस आई बहनों को, ओए सुन ओए 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 इधर यहाँ बैठ जा आखिरी बेंच पे, वो तो ऐसे 2-2 क्यों किया मुझे पता नहीं, तो ऐसे डिवाइड भी करता तो भी चल जाता था, किस चीज का, sec की वैल्यू 1 बाय cos, cos की वैल्यू 1 बाय y, cos की वैल्यू 1 बाय y समझ में आई है, बस अब tan की वैल्यू sin बाय cos, sin की जगह x लिखा मैंने, मेरे को दिया था कॉस लिया 1 बाय वाई, वो मैं निकाला था, बे चुप रहे गाइस, समझा जाता है क्या हो रहा है। अब देखो अपन ये 15th क्वेश्चन
यहाँ का आई थिंक एक आधा कोई क्वेश्चन और था। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 16 अपन लोग करेंगे बेटा आफ्टर आइडेंटिटीज, ठीक है ना।